उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया है। मायके पक्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को चिता से अधजली हालत में उतार लिया, लेकिन शव पूरी तरह से जल चुका था, जिसके बाद पुलिस ने उसका दोबारा अंतिम संस्कार करा दिया। वहीं मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने चार ससुराली जनों के खिलाफ हत्या के बाद सबूत मिटाने के प्रयास की धाराओं में FIR दर्ज की है। मामला करहल थाना क्षेत्र के मनोना गांव से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार जनपद इटावा के भरथना निवासी ध्यान सिंह द्वारा थाना करहल पुलिस को सूचना दी गई कि उसकी बेटी सुषमा की ससुराली जनों द्वारा हत्या कर दी गई है और शव को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस तत्काल ग्राम मनोना पहुंच गई। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही ससुराली जन जलती चिता को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जलती चिता से अधजला शव उतार लिया, लेकिन शव पूरी तरह जल चुका था, जिसके बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका सुषमा के पिता ध्यान सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पति कौशल, देवर अरुण, सास सुनीता और ससुर प्रभु दयाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप भी लगाया है। 2 वर्ष पूर्व ही मृतका सुषमा की शादी हुई थी। मैनपुर से रजनीकांत तिवारी की रिपोर्ट। नीचे ये बिठा दो, नीचे से और कुछ ऊपर से, ऐसे ऐसे ना तो ऐसे नहीं जल पाए। नीचे गंदा लगाओ, नीचे गंदा लगाओ, कंडा नीचे लगाओ, मिट्टी उधर करो, ये सब उधर करो, कंडा नीचे लगाओ, कंडा नीचे लगाओ, इसके बाद कुछ यू बिछा दो, इसके बाद फिर इसको लेटा दो, ठीक है, और इसके बाद फिर उड़ा दो। ये प्रकरण थाना मनोना का है। कल यहाँ पे एक विवाहिता, नव विवाहिता, जिसकी शादी को 2 साल हुए थे, संदिग्ध परिजनों में मृत्यु हुई थी, उसके ससुराली जनों ने उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। मृतका के परिजनों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने थाने पे आके एक तहरीर दी, जिस पर दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी करल द्वारा की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सुप्पा है। अच्छा, क्या घटना हुई है तुम्हारी बहन के साथ? मेरी बहन की यहाँ मनोना में शादी हुई थी कौशल नाम के, तो उनके माता पिता और जो कौशल है और उसका भाई, उन लोगों ने मिलकर उसे, मेरी बहन को पहले प्रताड़ित किया, मारा उसे, फिर उसके बाद उसे जला दिया। हम लोगों को कुछ इतला नहीं की ना खबर दी कोई बात क्या हुआ, बीमार थी या कुछ सुसाइड कर लिया, कुछ नहीं बताया हम लोगों को, और फांसी लगा दी। हम लोग गाँव वालों ने इतला की बताया, तब हम लोग आए और फिर हम लोगों ने। क्या वहाँ बॉडी वॉडी मिली है क्या? बॉडी तो जली हुई मिली और थोड़ी बॉडी बची हुई थी, तो अभी सुबह उन लोगों ने पुलिस कार्रवाई। क्या पुलिस की शिकायत की, क्या कार्रवाई वगैरह हुई? कुछ कार्रवाई अभी तो कुछ उन लोगों को ढूंढा नहीं गया है, FIR लिखवाई है, अभी कॉपी मिल जाएगी तब उसके बाद। कितना टाइम हो गया था शादी हुए? शादी हुए 2 साल। 2 साल 18 तारीख। बच्चे वगैरह भी थे? हाँ, एक बच्ची थी 1 साल की।